मोकामा ताल क्षेत्र के ईशांगा गांव का एक युवक दामोदर महतो एक बड़े महाठग गिरोह का शिकार बन गया। एटीएम नंबर पूछकर ठगों ने युवक के खाते से 2 लाख रुपये की ठगी कर ली है। इस महाठगी का रोचक पहलू यह है कि युवक की पीड़ा प्रार्थना की प्राथमिकी पुलिस ने दर्ज करने से इनकार कर दिया है। ठगी का शिकार युवक अपनी जमा पूंजी गंवाने के बाद अब प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दर दर भटक रहा है। 2 लाख रुपये गंवाने के बाद दामोदर महतो का पूरा परिवार सदमे में है। पीड़ित युवक ने डीजीपी कंट्रोल कक्ष से न्याय की गुहार भी लगाई है। ब्रजकिशोर पिंकू की रिपोर्ट। सर, मेरा 4 अगस्त 2020 को मेरे अकाउंट से एटीएम के माध्यम से 1,98,000 रुपया का फ्रॉड हो गया, जिसके चलते हम जो है घोसबरी थाना तथा सरमेरा थाना चक्कर लगाते लगाते साइबर क्राइम पटना डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी के कंट्रोल रूम में कॉल किया, डीएसपी बाढ़ में कंट्रोल रूम में कॉल किया, थाना में मिले जाकर करके, लेकिन आज तक जो है हमारा फ्रॉड के बारे में एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। इसके चलते हम गरीब आदमी ठोकर खा खा करके अब थक चुके हैं। अब इस समस्या के निदान के लिए हम क्या करें, हमको यह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।